धनबाद के बीजेपी कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा का कार्य समिति की बैठक की गई। अध्यक्षता जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में मौजूद रहे। मुख्य रूप से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश किसान मोर्चा के अनिल साहू ने कहा कि इस कार्यक्रम में पार्टी किसान मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू सहित नगर अध्यक्ष और भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि ये कार्यक्रम किसान मोर्चा के कार्यक्रम में सबसे यादगार कार्यक्रम है। प्रदेश किसान मोर्चा के पवन साहू ने कहा कि राज्य सरकार लगाया कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के हर मंडल में अधिक से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता योजनाओं को समीक्षा करें। केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसका मूल्यांकन जरूर करें। बता दें कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के और नेता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा धनबाद महानगर का बैठक श्री अनिल कुमार सिन्हा जी की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में प्रमुख रूप से जो मेरा अब तक का जो कार्यविधि चला है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक मंडल से हमारे मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों का परिचय होगा, हमारे जिला के पदाधिकारियों का परिचय होगा इस कार्यक्रम में। ये प्रथम कार्य समिति है। इसके बाद हम लोग पूरा प्लानिंग करेंगे कि पूरे प्रदेश में जो योजना दी गई है इस जिले को कितना काम कर पाए, उन विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगामी योजनाओं को लेकर जो राज्य सरकार जो किसानों के खिलाफ जिस प्रकार से किसानों को गुमराह कर सत्ता में आई है और किसान हतोत्साहित है, परेशान है, उन विषयों को लेकर आज व्यापक रूप से गहन चिंतन मंथन होगा और आगामी आने वाले दिनों में झारखंड सरकार जिस प्रकार से किसानों को गुमराह कर रही है, किसानों को धोखा दे रही है, उसको लेकर आज यह बैठक आहूत की गई है। हम लोग आने वाले दिनों में इस सरकार के खिलाफ में एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं, इसलिए आज की बैठक। ये भाजपा किसान मोर्चा जिला कार्य समिति की पहली बैठक है। इस बैठक में हम आने वाले समय में किसानों के लिए जो कार्यक्रम तय करेंगे उस संदर्भ में चर्चा करेंगे और सभी जिले के सभी प्रखंड से जो हमारे किसान भाई और किसान कार्यकर्ता आए हुए हैं वो किसानों की समस्या पर अपना मंतव्य देंगे। उसके आधार पर हम आगे की किसानों की रणनीति तय करेंगे।